खबर महाराष्ट्र से। एकनाथ शिंदे हुकूमत ने महाराष्ट्र में मराठा बरादरी को तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन की सिफारिश करने वाले मुसविदा बिल को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट और मुसविदा बिल आज महाराष्ट्र मुख्यालय के एक रोज़ा खसूसी इजलास में पेश किया गया। रिटायर्ड जज सुनील शिकरे की सरबराही में MSBCC ने जुमा यानी 16 फरवरी को मराठा बरादरी की पसमानदगी की जांच करने वाली अपनी तफसीली रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को पेश कर दी थी। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा OBC रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ के बगैर मराठा कोटा देना एक मुश्किल काम है जिसमें बहुत कम इख्तियारात हैं। आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। पिछले कई सालों से उनकी मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और आज ये सरकार ने निर्णय लिया है मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का। और निश्चित रूप से ये मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये जो बैकवर्ड कमीशन जो है स्टेट बैकवर्ड कमीशन, इन्होंने सिद्ध किया है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल में डेटा एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट हुआ है और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास से ये डेटा कलेक्ट किया है। और निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन जो है ये कोर्ट में भी ये टिकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो खामियां निकाली थी, उसे ध्यान में रखकर ये डिटेल सर्वे किया है। इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट भी ये सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, क्योंकि ये मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है। और इसलिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमटेंस, एक्सेप्शनल सरकमटेंस, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है। ओबीसी समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। मुख्यमंत्री आप बन गए हैं जिन्हें दोनों हाउसेस में जो है उसके बाद अब अगर सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाता है, कितनी अच्छी बात भी आपके लगे।